इतनी भी तो दोस्तों बीकानेर से हम लोग निकल चुके हैं, सवा 8 हो रहे हैं अभी और हमें जाना है दिल्ली चाची जी के घर। वहाँ पे हमारा सामान एक साल से ज्यादा से रखा हुआ है। हमने बोला था कि एक महीने बाद आएंगे चाची जी और आपसे वो ले लेंगे। एक्चुअली हमने बाइक की सीट चेंज करवाई थी, वही दिल्ली जाके वो पाई थी, वो तो बाइक लेके जानी पड़ी थी, तो बाइक में हम वो गद्दी वापस लेके नहीं आ पाए थे। हमने कहा था अगले महीने आके ले लेंगे, पर हम लोग कहीं नहीं जा ही नहीं पाए, कुछ ना कुछ रहता ही था। पता नहीं दिल्ली जाने का ऐसा होता ही नहीं, इस बार भी हम लोग का ऐसे ही था। पहले हम लोग बाइक से ही जयपुर का ट्रिप मार रहे थे, फिर मैंने कहा कि नहीं भाई वो गद्दी लानी है, गाड़ी से चलते हैं। तो ETA दिखा रहा है 4:10, पर हम लोग जैसा कि आप जानते हो कि इतनी मतलब पहुंच तो पाते नहीं, बीच में आराम भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। इन्फेक्शन मुझे हो रखा था, अब इनको भी हो गया है। तो बीकानेर आप लोगों को कैसा लगा? आप भी एक दिन का ट्रिप मार सकते हैं यहाँ पे, तो अगर अच्छा लगा है तो बताइएगा कमेंट में, और आप कुछ अच्छी बातें यहाँ के बारे में जानते हैं तो वो भी बताइएगा मुझे। 31 लीटर डला ना अभी हमने बीकानेर में डीजल डलवाया है, 96 रुपीज़ है यहाँ पे पर लीटर, टैंक फुल करने का रहता था। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 3,000 का तेल डलवाया, बाकी डलवाएंगे दिल्ली में जाके। 6 रुपए का अंतर तो है ही यार। अभी देखती हूँ उत्तराखंड में क्या चल रहा है। अभी अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उत्तराखंड में 89.99 है पर लीटर डीजल, और दिल्ली में है 89.42 शायद से। तो 7 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, तो हमने बचाए हैं कितने रुपए अबू, कितने बचाए हैं पता नहीं। अभी टैंकपुर मेरे ख्याल से 6,000 में होगा, 200 रुपए ज्यादा कट गया। ओह, तो 200 रुपए नुकसान हुआ है हमें, 200 रुपए। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण विभाग, नहीं निर्माण निगम लिमिटेड, ये देखो राजस्थान का टोल। तो इस वाले टोल में फास्टैग नहीं था, बाई चांस कैश रखा है और भी है ना, कभी सारे ऐसे आ रहे हैं। यहाँ पे जो फार्म है ना उनको देख के मेघालय की याद आ रही है, मतलब थोड़े से वैसे गोल से कुछ इस अलग सी शेप से है यहाँ के फार्म। अब यप्पू ने कुछ ऐसी जगह पे रोक दी है गाड़ी क्योंकि उसे थकान हो गई, 120 किलोमीटर चला लिए हुए, और धूप भी उसी की साइड पड़ रही है ना, तो थोड़ा लेजीनेस ठंड के बाद जो सिकाई मिलती है जो मजा सा आता है ना, तो वो हो रहा है इसको। खैर मुझे भी हो रहा है, बट जो मुझे खांसी हो रही है ना उसकी वजह से वो निकल मतलब थकान हट जा रही है। थकान क्या मतलब जो नींद आंखों में आ रही है ना वो हट जा रही है। ये वाले पौधे बहुत होते हैं राजस्थान में, कहीं पे भी चले जाओ ये मिलेंगे आपको। और एक ये वाले मैं आपको बुर्ज खलीफा तो दिखाई चुकी हूँ, अब मैं आपको दिखा रही हूँ ट्विन टावर। ट्विन बुर्ज खलीफा अभी एक ये गांव गया है सवाई छोटी, ठीक है, हाँ ये सवाई छोटी गांव है। तो हम कह रहे थे कि एक पीछे गांव क्या था सवाई बड़ी ना, हमने कहा आई बड़ी मतलब कैसा नाम है ना गांव का, अब पता चला कि वो सवाई बड़ी थी, ये सवाई छोटी है। तो ऐसा ऐसा अलग सा नाम है बताओ यहाँ। पीछे चाचा भी गए थे और बापू, बाप भी गया था, चाचा और बाप भी गए थे। देखो इसके तो हरियाणा में एंटर कर गए हम, 11:59 हो रहे हैं। मैं तो सो गई थी थोड़ी देर, मुझे नींद आ रही थी पूरे ट्रिप में, पहली बार मैं गाड़ी में सोई हुई, थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने मिस कर दिया लैंडस्केप देखने, मुझे बड़ा मजा आ रहा था वो पेड़ वेड़ खाली खाली बिल्कुल मैदान से। तो बाय बाय राजस्थान, मिलेंगे दोबारा। कैसा लगा आपको राजस्थान, हरियाली देखो जरा कैसी दिख रही है। अब राजस्थान को क्रॉस करे हुए मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर भी नहीं हुए होंगे, और माहौल एकदम बदल गया है, इतना सुंदर रास्ता, मजा आ रहा है। ऐसे दूर तक ऐसे गुफा सी दिख रही है वहाँ पे, वहां से दूर से ऐसे बीच में से ट्रक आ रहा है, ऐसे गुफा गुफा के अंदर से आ रहा होगा। और देखो कोई छोटी सी गाड़ी दिखती तो मस्त लगता है वहां से। अरे सो जाओ, अब नींद नहीं आ रही मुझे, सो जा, अब नहीं आ रही नींद। क्यों
मजा नहीं रास्ते को देखने में, अभी सो जाओ। नमस्ते, अब देखो कितना मस्त छाया सी भी हो गई ना एकदम से। ये गुफा देखने में मजा आ रहा है मुझे। पहलगांव से ले आए हैं ये हमें गूगल बाबा। गूगल बाबा ये है और देखो बाहर गांव है ये। रास्ता तो बहुत सुंदर था पर ये जगह देखो जरा निकाला है, जहाँ हम लोग बीच पे से जा रहे हैं बहुत लंबा रेड दिखा रहा है। ये तो मुझे मेन मार्केट लग रहा है यहाँ का, बहल का मंडी वंडी तो नहीं लग रही। तो बहल से हम बेहाल निकल गए हैं। रास्ता सुंदर आएगा तो मुझे ना फोटो खिंचवानी थी, के इतने बड़े प्यारे प्यारे मन कर रहा था वहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाओ, पर मुझे लग नहीं रहा मौका मिलने वाला है। अपने रोकी भी थी जगह गाड़ी, मैंने बोला कि नहीं और बढ़िया जगह चाहिए और बढ़िया। पिक्चर की शूटिंग के लिए आई हुई है। देखो क्या मस्त लग रहे हैं खेत, है ना मस्त। उधर भी है बढ़िया जगह है, रास्ता तो इतना सुंदर है ना। तो मैंने फोटो शूट करवा लिया है अपना, कितनी प्यारी जगह है, रील भी बनाई है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करना, उसमें रील डालूंगी मैं। और 300 किलोमीटर चल चुके हैं आज हम। ओह सही आ गए हम तो, 12:40 हो रहे हैं और हम 300 किलोमीटर चल दिए हैं, 275 किलोमीटर। और हम लोग 8 बजे करीब निकले थे वहां से बीकानेर से। इतना सुंदर रास्ता मैंने कभी नहीं देखा, इतना प्यारा। वाओ मैंने भी नहीं देखे यार, मेरा तो जी ललचा रहा है यहाँ पे कि मैं तो बस यहाँ पे कैंपिंग करूँ थोड़ी और मस्त मस्त वीडियोस बनाऊ, रील बनाऊ, फोटो खींचू। हाय हाय वो देखो यहीं पे हुई होगी वो DDLJ की शूटिंग लग रहा। तो ये अभी हम भिवानी की तरफ जा रहे हैं। वो तो सुंदर वाला रास्ता अब खत्म हो गया है, कैसे सरवाइव करेंगे अब वो, कैसे सरवाइव करेंगे आराम से। अब आपको भिवानी से जाना था क्या? भवानी बोल लेना, भिवानी भिवानी भवानी भिवानी कर रही थी मुझे क्या भिवानी। वीडियो ऑन होते ही भवानी हो गया। मेरा पहले क्यों भवानी भवानी चल रहा था, कहाँ पड़ा भवानी तुमने? आप बाईपास क्यों नहीं ले रहे थे ये बताओ? अब है ना बाईपास, पहले तो आप सीधे जा रहे थे। तब नहीं, अब आवे तो आवे, मतलब हद ही हो गई अपनी ना, गलती माननी नहीं है, गलती नहीं माननी। दोनों साइड सरसों के खेत मस्त वाले, पर ये रास्ता मतलब सड़क अच्छी है पर रास्ता वो बहुत सुंदर था। अभी इस रोड पे आते ही अपुन को ड्राइव करने भी मजा आ रहा था, नींद नहीं आ रही थी। हाँ। इसमें आ रही आती फिर आई हुई बोरिंग से नींद आनी शुरू हो गई। सब बोलते कि ऐसी चौड़ी सड़कें होनी चाहिए और ये है कि इनको पतली सड़कें चाहिए। चौड़ी सड़कें देख के नींद सी आने लग गई, नींद नहीं भूख भी लग रही है, सूसू आ रहा बहुत जोर की। तो हम रुके हैं यहाँ पे, लंच कर लेते हैं, 1:45 हो रहे हैं, 1:45 हो गए ना, फिर देखते हैं कितने टाइम। वैसे तो 4 बजे तक दिखा रहे हैं दिल्ली पहुँच जाएंगे, पर क्या करेंगे वो चाचे और तो आ जा रहे हैं किसी सगाई में। तुम कौन सा 4 बजे पहुँच जाओगी? हाँ वैसे ट्रैफिक में जब फंसेंगे तो ना, आधा घंटा एक घंटा यहाँ भी लगाओगे और वहाँ भी फंसोगे ट्रैफिक में। तो खाना बढ़िया था वैसे, बस बाथरूम इतना गंदा था कि आप देख भी नहीं सकते, यूज तो क्या ही करना, देख भी नहीं सकते। गूगल बाबा हमें फिर से कहीं गांव में ले आए। ओ भाई साहब इतनी भीड़, एक्सीडेंट भी हो रखा है पीछे, स्कूटी गिरी पड़ी थी।